अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप सबने अक्सर ये बात तो सुनी होगी कि प्लेन्स दुनिया के सबसे सेफ ट्रेवल मेथड्स में से एक है। असल में इनके अंदर सेफ्टी का 100% इंतजाम किया जाता है, इसीलिए इनके हादसात बहुत ही कम होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्लेन्स के ऐसे सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर वन, इम्प्रूव टेस्टिंग। दोस्तों जब भी कोई प्लान बनाया जाता है तो इसे कमर्शियली यूज करने से पहले इसके सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है और इवन के टेस्ट फ्लाइट भी ली जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में प्लान के पार्ट्स को चेक करने का मेथड एक नए लेवल तक पहुंच गया है। मिसाल के तौर पर अगर प्लान के विंग्स की बात की जाए, अब इन्हें पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। जब इन्हें टेस्ट करने की बारी आती है तो इन्हें 90 डिग्री तक बेंड करके चेक किया जाता है ताकि ये हर तरह की वेदर कंडीशन का मुकाबला कर सके। इसके अलावा प्लान के इंजन को आग लगाकर भी चेक किया जाता है। अगर ये इंजन आग के बावजूद भी चलता रहे तो ये ठीक तसव्वुर किया जाता है, और अगर ये बंद हो जाए तो इसे फेल करार दिया जाता है। ये सच में कमाल है। नंबर टू, फायर प्रूफ सीट। दोस्तों अगर आपने प्लेन में सफर किया है तो आप जानते होंगे कि प्लेन की सीट्स काफी ज्यादा हार्ड और अनकंफर्टेबल होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें इस तरह क्यों डिजाइन किया जाता है? अनफॉर्चुनेटली जब किसी प्लेन में आग लग जाती है तो प्लेन की सीट सबसे जल्दी आग पकड़ती है। इसकी वजह यह है कि ये सीट्स कपड़े से बनी होती है। लेकिन कुछ अरसे पहले फ्लाइट एडिएशन अथॉरिटी ने नासा के साथ मिलकर एक ऐसा सीट फैब्रिक डिजाइन किया है जो फायर प्रूफ होता है। इसे प्लेन की सीट पर कुशन के तौर पर चढ़ाया जाता है। ये काफी ज्यादा हार्ड होता है। दोस्तों ये सच में अमेजिंग है। नंबर थ्री, पावर विंडमिल। दोस्तों प्लेन के हादसात की एक बड़ी वजह इलेक्ट्रिकल फेलियर भी होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के ऑलमोस्ट सारे फंक्शन बिजली की मदद से चलते हैं। अगर इसमें खराबी पैदा हो जाए तो एक्सीडेंट के खतरात काफी ज्यादा हो जाते हैं। इवन के इलेक्ट्रिसिटी के बगैर प्लेन को लैंड भी नहीं किया जा सकता। क्या आप जानते हैं कि प्लेन की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसमें छोटी छोटी विंड टर्बाइन भी लगाई जाती है? ये आमतौर पर प्लेन के विंग के नीचे लगी होती हैं। अगर जहाज में कोई इलेक्ट्रिकल इश्यू पैदा हो जाए तो ये टर्बाइन्स पावर जनरेट करती हैं और जहाज में बिजली प्रोवाइड करती हैं। नंबर फोर, पायलट मॉनिटरिंग। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि लॉन्ग ड्राइव करना एक काफी मुश्किल काम है। अगर आप थक जाएं तो रास्ते में गाड़ी रोककर ब्रेक ले सकते हैं। रोड पर जाने वाला तो ऐसा कर सकता है, लेकिन एक पायलट के लिए ये काम इम्पॉसिबल होता है। बस दफा वो इतना ज्यादा थक जाते हैं कि फ्लाइट के दौरान ही सो जाते हैं। प्लेन के सारे फंक्शन ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज काफी ज्यादा रिस्की होती है। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इसे खास तौर पर सेफ्टी के असूलों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इस डिवाइस का नाम क्रू अलर्ट है। इसमें पायलट अपनी डायरेक्शन और टाइम वगैरह ऐड कर देता है, फिर यह डिवाइस पायलट को अलर्ट रखती है। अगर पायलट इसकी स्क्रीन को ज्यादा देर तक टच नहीं करता तो ये अलार्म देना स्टार्ट कर देती है ताकि पायलट का ध्यान फ्लाइट पर रहे। यह डिवाइस वाकई में ही बहुत यूजफुल है। नंबर फाइव, माउंटेन सेंसर। दोस्तों जब प्लेन लैंड करने के करीब होता है तो अक्सर रास्ते में पहाड़ वगैरह आ जाते हैं। पायलट को पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा नहीं होता, जिसकी वजह से प्लेन का पहाड़ के साथ टकराकर क्रैश होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट सन 2000 में इन हादसात की रेशो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर एयरप्लेन मैनेजमेंट ने प्लेन के अंदर माउंटेन सेंसर टेक्नोलॉजी लगा दी। इस सेंसर की बदौलत पायलट को अपने रास्ते में आने वाले हर पहाड़ की ऊंचाई का पता चल जाता है और फिर वो इसके मुताबिक प्लेन को अप या डाउन रख सकता है। ये टेक्नोलॉजी सच में कमाल है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें आपका पाकिस्तान टीवी।